तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है आप सब? तो अभी हम लोग स्कूल जा रहे थे, मम्मा ने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना लो क्योंकि कल का व्लॉग सब लोग नहीं होगा। तो अभी हम लोग बनाते हैं क्योंकि कल आज जाएगा पापा जा रहे तो कल देखेंगे कि कल का कैसा होता है हमारा। क्यों, कहाँ जाना है तुम्हें? स्केट्स करना है। इसने भी बड़े बड़े प्लान बनाए हैं, बाबा जाने आएगा तो हम जाएंगे। चलो आ जाओ। तो अभी हम लोग जा रहे थे तो मम्मा ने कहा कि तुम थोड़े और वीडियो बना लो और फिर जैसे हम लोग स्कूल जाएंगे उसके बाद मम्मा बनाती चली आएगी। और इसलिए मैं अभी शायद हूँ स्कूल और फिर आपसे आके मैं मिलूंगी कि मैंने आज स्कूल में क्या क्या किया था, क्योंकि आपको स्कूल का एग्जाम होगा और उसके बाद से हमारी छुट्टी आने वाली है, इसलिए उस दिन से आंटी ने भेजे क्योंकि अभी बाबू जानी आ गया है। तो अभी हम इन दोनों को खोल के देखते हैं कि इसमें हम दोनों मेरा क्या है। तो क्या मैं आपको खोल के अभी दिखाती हूँ, अनबॉक्सिंग करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि बाबू जानी वहाँ से किस आंटी से लेके आए थे ये दोनों। आंटी ने मुझे ये दिया है, इतना प्यार से सन, इतना क्यूट है और ये दुआ का है। तो आप देखिए इसमें से आपको क्या पसंद आता है। तो फादिया को अब छोड़ के ना मैं जा रही हूँ घर की तरफ। मौसम बहुत ही प्यारा है, नहीं आ रही थी, बाबर भाई सो गया था, सुनहरा के साथ आ ही रही थी, तो एग्ज़ाम में छुट्टी नहीं करवा सकती। तो मैंने कहा चलो जो है ना इसको आहिस्ता आहिस्ता जाती हूँ, छोड़ कर आती हूँ। तो दवाई वगैरह ली है, टैबलेट वगैरह, दर्द का भी काफ़ी फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह से। और जो है ना बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसका स्कूल से भी हो तो इसको भी छोड़ के आऊँगी, थोड़ा बाहर भी मूड थोड़ा चेंज हो जाएगा। दुआ को भी सिलाया, शुक्र है दुआ नहीं है ना, उसे फिर उठाना पड़ता और भी बस। बोल हाँ। नहीं देखना, ये चीटिंग होती है। इसमें बोल है तो मुझे भूख लगी थी तो रात का जो पास्ता था ना वो बचा हुआ था, तो मैंने सुनहरा से कहा कि मुझे गर्म कर दो और हम दोनों माँ बेटी जो है ना यहाँ पे बैठ के ये खा। यहाँ पे आ गई हमारी रात की चाय जो कि सुनहरा लेती है। और जो है ना मैं आज भी अपने इन्हेलर नहीं ले सकी। क्या हुआ मम्मा? ये खोलू? ऐसे करो ऐसे करो, खुल गया। ड्रामेबाजी खाऊ? नहीं खा दीजिए। आप खा लो। नहीं खा लिया। ये यार छुप, मीर से छुप के आके बैठ गई है। आ गया मीर, आ गया। छुप जा छुप जा छुप जा। दोबारा नहीं, मीर मारता है। नहीं ये माउथ पे नहीं डालो, मुझे दो मुझे दो। ओके चुप, 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 चुप। क्या हुआ क्या हुआ? द्वारा नहीं सोना, गाड़ी नहीं चलाओ, आके सो जाओ। मैं सो रही हूँ, ठीक है? मैं फादिया के साथ सो रही हूँ, आप जो है ना जागती रहो। ओके ठीक है, गुड नाइट। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु ये लिया था रसूल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ये क्या कर रही है? ओ गाड़ी टूट गई। नहीं टूटी है। ओहो तो आपको तो नींद भी आ गई है। दुआ चलो सो गई है, देखो इसकी आईज भी क्लोज है दुआ की। ओए ये तो उठी हुई है, आज सोना नहीं है मम्मा की बेटी ने? सोने हाँ। फिर सो जाओ। हे मम्मा अच्छा नहीं क्या हुआ?
ओके बिस्किट खाओगी? नहीं। चॉकलेट खाओगी? नहीं। जूस पियोगी? नहीं। ऑरेंज खाओगी? नहीं। नहीं खाओगी? नहीं। ओके कब से ना, कब से ये बच्चा जो है ना शरारती वाला मुझे तंग कर रहा है। अब मैं डांटूं आपको, थप्पड़ लगाऊं? नहीं। फिर मुझे तंग करोगी? इग्नोर इग्नोर देखिए, इग्नोर देखिए कर रही। तंग करोगी मुझे? नहीं। मेरी टमी पे चढ़ोगी? नहीं। सोती हो? नहीं। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सुबह आपकी को स्कूल भेजना, सो जाओ। सोची बस इसको जो है ना अभी स्कूल छोड़ के मैडम को इसकी छुट्टियां नहीं करवा सकती ऐसे टाइम पे, क्योंकि इसका जो है ना एग्जाम चल रहे, आज इसका तीसरा पेपर है। नहीं छुट्टी को भी देर है, ये अभी से वो करिए, क्योंकि हमजा जा नहीं रहा, अकेली जाती है तो फिर सारा दिन बस इनकी लड़ाई है कि तुम क्यों नहीं जा रहे, मैं जा रही हूँ। नहीं वो लोग घर नहीं है, वो घर चेंज कर गया जो। मुझे किटन 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 मैं आपको ले देती हूँ, चलो आज नहीं कुछ दिन रुको, मैं आपको एक छोटी सी व्हाइट किटन लेकर देती हूँ, ठीक है? आज नहीं कुछ दिन रुक जो, फिर कल से मेरी तबीयत खराब हो रही है कि ये ऐसे जोर जोर से ना मुझे सर मारती है, दो दफा ना ये मुझे मार चुकी है बाजू पर सर, कुछ भी नहीं है ऐसे ही रो रही है, कोई बात नहीं हुई कुछ भी नहीं है। ये देखिए ऐसे ले ले ले। ये देखिए आज जो है ना फादिया ने नया कारनामा किया, इसको जो है ना इधर बिठाओ इधर बिठाओ इधर इधर से डर जाएगा। अच्छा इधर नहीं डरता, अच्छा जाओ ले जाओ ले जाओ अपने बैग पे उठा के, फर्स्ट टाइम ये ऐसे ना बैग। तो चलें जी आज की हमारी जो वीडियो है ना उसको यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। फादिया ने कुछ शूट किया कुछ मेरा था, तो तबीयत नहीं थी ठीक, असल में ना सीधा आता है ना तो उसी से ही सारा काम होता है, तो इसीलिए जो है ना खाना भी मुश्किल से मैं खा पा रही हूँ क्योंकि बार बार ऊपर नीचे नहीं हो पा रही। उसके अलावा कि स्मैरा को क्यों नहीं लेके गई थी, अकेली क्यों गई थी, भी तो मेरी यहाँ पे माँ तो नहीं बैठी हुई थी ना जिसको पास में बच्चे छोड़ के जाती, तो भाई ये था कि स्मैरा को ले जाती या खुद अकेली चली गई हो ये वो, इतना वो ये था कि मैंने किसी को कोई बुरा नहीं बोला, मुझे जो बुरा बोल रहे हैं अल्लाह पाक देख रहा है ठीक है, मैं बस इतना ही बोलूँगी उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं बोलना। दूसरा ये था कि तुम कह रही हो कि करवा लेती दिलबर कौन सा तुम्हारे साथ जाता या तुम कौन सा, वो तुम्हें देख लेता तुम्हें तो पेन होता ये वो मुझे ना देखता, लेकिन अगर वो यहाँ पर होते तो वो कम से कम बच्चों को देख सकता था। फादिया स्मैरा के साथ नहीं जा रही, उसको स्कूल ले के आना जाना, उसे छुट्टियां नहीं करवा सकती, उसके फाइनल एग्जाम चल रहे। दूसरा ये कि दुआ को कम से कम देख लेते, जिसकी वजह से दुआ इतनी रो रही है, इतनी वो दो तीन दिन से वो ही मुसलसल रोए जा रही है, कल दो दफ़ा इसने ज़ोर से ना मेरे बाजू पर आके सर मारा, मुझे इतनी तकलीफ़ और इतना पेन हुआ, यही कुछ है ठीक है और कुछ भी नहीं। स्मैरा को ले जाती ज़िंदगी में ना ये दूसरा टाइम है जब जो है ना मैं ऐसे अकेली हॉस्पिटल में गई, आगे डॉक्टर ने भी पूछा कि आपके पास कोई नहीं, एक जब मेरा मिसकैरेज हुआ तब भी मैं अकेली ही गई थी, उस दिन भी हमारा यही मसला था कि जो है ना बच्चे अकेले थे कोई नहीं था हमारा। कल भी हमारे साथ यही हुआ कि चाचू थे, लेकिन चाचू चार बच्चों को कैसे संभालते, बाबर भाई बाद में आए थे, तो इसी वजह से मेरा मेरे साथ नहीं गई ताकि वो घर में बच्चों को देख सके, और उसके अलावा कोई भी नहीं। और आप सब ने इतने अच्छे कमेंट किए बीच में, जो जिसने बोला सबका भला हो, किसी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोलना, बस इतना बोलूँगी कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कल एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह अगर बन सका तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।